चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की दो राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। आने वाली 23 सितंबर को इन दो सीटों पर मतदान होना है। गौरतलब है कि ये दोनों ही सीटें सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सेठ के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। गौरतलब है कि इन सीटों पर 5 से 12 सितंबर तक नामांकन भरा जाएगा और उसी दिन भरे गए नामांकन पत्रों की जांच भी होगी। आपको बता दें कि वही नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। 23 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चुनाव होगा। 5 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी और 25 को परिणाम घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्यसभा सीटों के उपचुनाव के अलावा यूपी के विधानसभा के उपचुनाव भी कराए जाने हैं।